बात करेंगे। दरअसल शाहीन बाग पर बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में शाहीन बाग के मुद्दे पे सुनवाई हुई है। प्रदर्शन कर रहे लोगों से बात कर उन्हें समझाया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। शाहीन बाग पे बातचीत के लिए मध्यस्थ नियुक्त किए गए हैं। वकील संजय हेगड़े, साधना रामचंद्रन को मध्यस्थ बनाया गया है। हमेशा के लिए रोड ऐसे ही बंद नहीं की जा सकती, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कुछ लोग एक कानून से परेशान हैं, उन्हें समझाया जाए, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको शाहीन बाग से जुड़ी हुई हम दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है कि इस एक रोड को हमेशा के लिए बंद नहीं किया जा सकता। कुछ लोग एक कानून से परेशान हैं, उन्हें समझाया जाए, यह भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो आपको बता दें कि 65 दिन के आसपास के दिन बीत चुके हैं। लगातार शाहीन बाग पे प्रदर्शनकारी सड़क पर बैठे हुए हैं। CAA NRC का वो विरोध कर रहे हैं। जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी ताबिश कमाल जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। ताबिश, बड़ी अहम टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि कुछ लोग एक कानून से परेशान हैं, उन्हें समझाया जाए, लेकिन समझाए कौन, इस पे भी बात बताइएगा। और साथ में सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि आप हमेशा के लिए एक सड़क को बंद नहीं रख सकते, आपको वहां से उठना होगा, उस पे भी बात बताइए। बिल्कुल, देखिए शाहीन बाग में इस वक्त हम मौजूद हैं और शाहीन बाग के लोगों से मैंने अभी कुछ देर पहले बातचीत की। मैंने उनसे कहा कि कोर्ट ने कमेटी बना दी है और उस कमेटी से बातचीत करने के लिए आप लोग कौन आगे जाएगा, कौन आगे बातचीत करेगा, क्योंकि शाहीन बाग में देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि शाहीन बाग में कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, कोई इनका लीडर नहीं है। अगर कहीं पर लीडर होता है तो वहां पर आसानी से बात की जा सकती है, लेकिन यहाँ पर कोई लीडर नहीं है, कोई नेता इनका नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर थोड़ी सी समस्या है। ऐसे मैंने जब इन लोगों से कहा कि अब कोर्ट ने कहा है कि मध्यस्थता की जाएगी और मध्यस्थता के जरिए पूरे मसले का हल निकाला जाएगा, तो इन लोगों का कहना ये था कि हमारा एक ही कहना है और जिस वजह से हमने रोड बंद किया हुआ है, जिस वजह से हम सड़क पर बैठे हैं, हम शुरुआत से एक बात कह रहे हैं कि CAA पर सरकार अपना रुख साफ करे, या तो इसमें मुसलमानों को भी जगह दी जाए या फिर इसको कानून को वापस लिया जाए। हमारी दो तरह की मांग है, NRC NPR पर सरकार अपना रुख क्लियर करे, तो ये जो उनकी डिमांड है। देखिए शुरुआत में ये लग रहा है कि शुरुआत में कहीं ना कहीं शाहीन बाग के लोगों ने अपना मूड साफ कर दिया है, मीडिया में आकर के उन्होंने साफ कर दिया है कि ये मुद्दा सिर्फ शाहीन बाग का नहीं है, ये पूरे हिंदुस्तान से जुड़ा हुआ मुद्दा है और सबसे पूछ करके मसले को हल किया जाएगा। जहां तक रोड बंद होने की बात है, जी ताबिश, लेकिन यही चीज जो है चंद्रशेखर आजाद की तरफ से जो पक्ष रख रहे थे, उन्होंने कही कि बात शाहीन बाग की नहीं है, देश में 5000 से भी ज्यादा ऐसे विरोध प्रदर्शन हो जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनों से चिंता नहीं है, चिंता इस बात से है कि आप सड़क को जाम ना करें। बिल्कुल सही कहा आपने राजेश, देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता जाहिर की कि आपने सड़क जाम की हुई है और जो सड़क आपने जाम की है वो एक आइडिया अडॉप्ट हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं लोग उस आइडिया पर काम कर सकते हैं। आप एक नया आइडिया क्रिएट कर रहे हैं कि लोग सड़क जाम करें, उसके बाद लोग सड़क जाम करके वहां प्रोटेस्ट करें, तो ये सही नहीं है और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने एक मध्यस्थता कमेटी का गठन किया है कि इस पर जल्द से जल्द बीच का रास्ता एक निकलना चाहिए। क्योंकि देखिए जिस तरह से लगातार शाहीन बाग में एक भीड़ बढ़ती जा रही है, शाहीन बाग में लगातार पिछले हम 2 महीने से देख रहे हैं कि लोग जस्ट सोने का नाम नहीं ले रहे हैं, भीड़ लगातार वही है, वही लोग हैं, वही प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा है और बल्कि समर्थन देने के लिए तमाम लोग यहाँ दिन ब दिन पहुंचते भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि अब अगर रोड को खोलना भी होगा तो वो इतना आसान नहीं होगा, लोगों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जब कोई प्रोटेस्ट पब्लिक का होता है तो उसमें समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब प्रोटेस्ट, एक चीज मैं और आपसे समझना चाहूंगा, आजादी हमने किस प्रकार से लड़ी थी, शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करके, उसके बाद भी देश में कई विरोध प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन आजादी की बात करें तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कई बड़े नेता थे जो जनता का पक्ष रखते थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि शाहीन बाग में कोई ऐसा नहीं है, तो आखिर सरकार बात करे किससे, क्योंकि किसी को तो आगे आना होगा, सरकार 10,000 लोगों से तो बात नहीं कर सकती। बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए कल भी यही हुआ था, कल भी तमाम लोग अमित शाह के घर की तरफ चल दिए थे, गृह मंत्री घर की तरफ चल दिए थे और आज भी यही परिस्थिति नजर आ रही है। देखिए
सबसे अहम चीज ये समझने वाली बात ये हुई कि गृह मंत्री के घर इतनी भीड़ नहीं जा सकती, तो बात किससे की जाए। यहाँ पर अब सवाल ये उठता है कि मध्यस्थता के लिए कमेटी बनाई गई है, भीड़ बहुत ज्यादा है, तो बात किससे की जाए। यही सवाल लगातार हम शाहीन बाग की जनता से पूछ रहे हैं, तो लोगों का कहना यह है कि यहाँ खुला मंच है, आप आइए और जो सबकी राय होगी उस पर काम किया जाएगा, उसको फैसला माना जाएगा। यानी इनका कहना यह है कि कोई कमेटी शाहीन बाग की नहीं है, यहाँ से जो आम जनता फैसला कर देगी वही माननीय होगा। यानी कि अब ये कहा जा रहा है एक तरह से, अब ये समझ लीजिए आप राजेश के यहाँ पर सरकार के लोग आएंगे और इन जनता के बीच में बैठ करके, जनता के लोगों के बीच में बैठ करके बातचीत की जाएगी, तब कुछ मसले का हल निकलेगा। इससे पहले कोई मसले का हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि कोई लीडर नहीं है, तो बात किससे की जाए ये सवाल यहाँ पर बार बार उठ रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका तामिश कुमार हमारे साथ जुड़ने के, हमारे सहयोगी तामिश कुमार हमारे साथ जुड़े थे। बड़ी अहम बात उन्होंने कही है कि जामिया में जो प्रदर्शन, शाहीन बाग में जो प्रदर्शन चल रहा है वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा नहीं है, इस कारण कोई नेता नहीं है। अब सवाल यह है कि कौन उनका पक्ष सरकार के पास रखेगा। बढ़ते आगे, एक और बड़ी खबर निर्भया केस से जुड़ी हुई। निर्भया केस की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई चल रही है, नया डेथ वारंट जारी करने को लेकर सुनवाई। विनय के वकील ने कहा वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं। कोर्ट ने दोषी मुकेश के वकील वृंदा ग्रोवर को हटाया, रवि काजी ने वकील नियुक्त किए गए। नया डेथ वारंट जारी करने को लेकर सुनवाई हो रही है पटियाला हाउस कोर्ट में। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, विनय के वकील ने कहा वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, लेकिन कोर्ट ने कह दिया था, पहले भी कोर्ट ने कहा था कि जो उनके पास दस्तावेज हैं उसके अनुसार वो फिट हैं। कोर्ट ने दोषी मुकेश के वकील वृंदा ग्रोवर को हटा दिया है, उसकी जगह रवि काजी ने वकील नियुक्त किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको पटियाला हाउस कोर्ट से दिखा रहे हैं, निर्भया केस की पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई, बड़ी खबर इस वक्त की। अक्षय ठाकुर, पवन गुप्ता, मुकेश सिंह, विनय शर्मा, ये चारों वो हैवान हैं जिन्होंने निर्भया के साथ घिनौनी वारदात को अंजाम दिया था। वे निर्भया के माता पिता लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, 7 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन सुनवाई पे सुनवाई, तारीख पे तारीख लगातार मिलती जा रही है और कई बार इस माता की आंखों में हमने आंसू भी देखे हैं। तो भाई आज सुनवाई चल रही है, नया डेथ वारंट जारी करने की मांग की जा रही है, लेकिन विनय के वकील ने कहा है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है। कोर्ट ने दोषी मुकेश के वकील वृंदा ग्रोवर को हटा दिया है, रवि काजी ने वकील नियुक्त किए गए हैं। तो आपको बता दें कि निर्भया के माता पिता के साथ साथ पूरा देश उस दिन का इंतजार कर रहा है जब इन चार हैवानों को फांसी पर लटकाया जाएगा, लेकिन तारीख पे तारीख मिलती जा रही है। डेथ वारंट आते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, नया डेथ वारंट आता है, नई तारीख मिल जाती है और लगातार जो हमारे कानून में लूप होल्स हैं उसका फायदा उठाकर ये आरोपी जो हैं लगातार अपनी सांसों को बढ़ा रहे हैं, लेकिन निर्भया के माता पिता की चिंता जो है लगातार बढ़ती जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर इश्फाक गौहर जुड़ चुके हैं, सीधौनी का रुख करते हैं। गौहर सर, जानना चाहेंगे आपसे कि अब क्या ऑप्शन लोगों के पास बचते हैं, नया डेथ वारंट जारी होता है तो क्या फांसी होगी या एक बार फिर से तारीख पे तारीख मिल जाएगी? जुडिशरी ने अपना काम किया है, वो एज पर रिक्वायरमेंट्स ही हो रहा है। इस पर आप ये नहीं कह सकते रिक्वायरमेंट से हटके कोई चीज जज साहब कर रहे हैं या जुडिशरी आउट ऑफ टर्न कुछ कर रही है, लेकिन जितना भी प्रावधान हमारे संविधान के अंदर है उसका फायदा कहीं ना कहीं निर्भया के वो सारे दोषी उठा रहे हैं जिसका उन्हें बहुत पहले उठाना चाहिए था। इसीलिए काफी ज्यादा जरूरत थी कि जो हमारा बेसिक लॉ है उसको रिफॉर्म किया जाता, उसमें कुछ नई चीजें लाई जाती ताकि इस तरीके का मामला और इस तरीके की मुश्किलें जो है आइंदा ना हो, और अगर कोई इस तरीके से फंसता भी तो उसे तुरंत के तुरंत कार्रवाई मिल जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई होती। लेकिन आज जिस तरीके से ऑनरेबल जज या ऑनरेबल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है वो एज पर लॉ है, और मुझे लग रहा है कि शायद कुछ देर और अभी इंतजार करना होगा जिसके बाद ही निर्भया को इंसाफ मिल सकता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इश्फाक गौर, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर हमारे साथ जुड़े थे। लगातार देश भी इंतजार कर रहा है उस दिन का जब निर्भया के आरोपियों को फांसी पर चढ़ाया जाएगा और देश की बेटी को इंसाफ मिलेगा।
वहीं दिल्ली की जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में पिछले साल 15 दिसंबर को हुई बर्बरता से जुड़े कुछ वीडियो सामने आए। इस वीडियो के सामने आने के बाद एक बार फिर से अलग और बवाल वाली सियासत जो है शुरू हो चुकी है। दरअसल 15 दिसंबर को जामिया यूनिवर्सिटी के अंदर पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई के कुछ वीडियो सामने आए। ऐसे कुल 4 वीडियो एक एक करके अब तक सामने आ चुके हैं। एक वीडियो में सुरक्षा बल डंडों से छात्रों को पीटते दिखाई पड़े। बताया गया कि वीडियो जामिया की लाइब्रेरी का है, जहां छात्र पढ़ रहे थे और सुरक्षा बल अचानक से घुसकर छात्रों को पीटने लगते हैं। हालांकि इसके बाद पुलिस ने 2 और वीडियो जारी किए, जिसमें बच्चों के हाथ में बड़े बड़े पत्थर दिखाई दिए। देखकर ऐसा लगता है कि पुलिस पर पत्थर फेंकने के बाद उन्होंने लाइब्रेरी में खुद को बचाने के लिए शरण ली। यही नहीं, आज एक चौथा वीडियो सामने आया, जिसमें बच्चे लाइब्रेरी से भागने की कोशिश कर रहे हैं और पीछे से पुलिस छात्रों पर डंडे बरसा रही है। वीडियो की सत्यता की पुष्टि गुलिस्तान न्यूज नहीं करता है। हालांकि पुलिस ने इन वीडियो का सामने आने के बाद जो है जांच की बात कही है। सवाल पुलिस पे इसलिए उठना लाजमी है क्योंकि पुलिस ने उस वक्त कहा था कि कोई पुलिसकर्मी लाइब्रेरी में घुसा ही नहीं, जबकि अगर ये वीडियो सच्चे हैं तो इसमें न सिर्फ पुलिस घुसती है बल्कि छात्रों पे डंडे भी बरसाती है और पुलिस चेहरा छुपाकर लाइब्रेरी में घुसती है। इस पे सवाल उठना लाजमी है। ऐसा है कि जिस बेरहमी के साथ वो स्टूडेंट्स को पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, और ये साफ दिखता है 15 दिसंबर के जो टेप हमने सामने आया है कि जिस बेरहमी के साथ उसको मार रही है, बच्चों को मार रही है, और वही पुलिस ने पहले बयान दिया तो हम तो लाइब्रेरी में गए ही नहीं, तो साफ जाहिर है कि पुलिस झूठ बोल रही थी, इसमें तो कोई शक नहीं। अगर कोई और हिंसा को अपनाता है कि उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो पुलिस कर्मी हैं वो उनको तो लोगों की रक्षा करनी है ना, दे आर प्रोटेक्टर्स ऑफ द लॉ, कानून की वो हिफाजत करते हैं, और कानून की हिफाजत न करते हुए कानून अपने हाथों में लेकर लोगों के बेरहमी से पिटाई करें, ये पुलिस का काम तो नहीं है। जो भी नए सबूत आते हैं या वीडियोज आते हैं, स्वाभाविक है कि वो जांच के भाग बनेंगे। एक तरफ पुलिस के ऊपर में जो प्रश्न उठ रहे हैं उसकी तो जांच होती है, लेकिन दूसरी तरफ भी तो प्रश्न उठाए जा रहे हैं। ये कैसे छात्र हैं जो आते हैं लाइब्रेरी में, किताबें बंद हैं, उसे दिखाने का एक प्रयास होता है कि वो पढ़ रहे हैं, मुंह ढकने के लिए कपड़े उन्होंने रखे हुए हैं, गले पर दिखता है, तो ये भी तो है कि कहीं वो ऐसे छात्र ना थे कि जो, मतलब ऐसे छात्र थे जो बाहर हिंसा करके अपने को छुपाने के लिए आए थे, तो कांग्रेस पार्टी इसके भी कुछ ज्ञान बांटे। और कांग्रेस पार्टी को यह समझना पड़ेगा कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पे जिस प्रकार से भ्रम फैला रहे हैं, लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, कहां संविधान में लिखा हुआ है कि अपने अधिकारों की बात करने के प्रयास में या अधिकारों की बात करते समय किसी और के अधिकारों का हनन करें, शांति को भंग करें। चाहे वो जामिया की बात हो या जेएनयू की बात हो, पुलिस आज तक कोई कदम नहीं उठाया जिससे कि जो गलती किया है, चाहे वो पुलिस वाले हों या दूसरे गुंडागर्दी जिसने किया है, उनके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं हुआ है, कोई एक्शन नहीं हुआ है, कोई अरेस्ट नहीं हुआ है। और आज HRD मिनिस्टर साहब बोलते हैं कि ये इंस्टीट्यूशंस बहुत ही अच्छे हैं, JNU और जामिया वगैरह, बहुत खुशी की बात है, आपने देर से समझा इस बात को। क्यों नहीं आप गृह मंत्री से आग्रह करते हैं कि आप ये इंस्टीट्यूशंस को अच्छा समझते हैं, यहाँ पर जिसने गलत काम किया है, जिसने वॉयलेंस किया है, मारपीट किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए तुरंत आप गृह मंत्री जी से आग्रह कीजिए। जामिया यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट के दौरान जो हिंसा हुई यूनिवर्सिटी के बाहर, पेट्रोल बम फेंके गए, रिवॉल्वर के इस्तेमाल किए गए असांघिक शक्तियों के द्वारा, बसेस जलाए गए, इस प्रकार का हिंसक घटना को रोकने में दिल्ली पुलिस ने जो कार्रवाई की वो सराहनीय है। वो पूरा घटनाक्रम केवल जामिया मिलिया को यूनिवर्सिटी को लेकर नहीं, दिल्ली में जो यहाँ जहाँ इस प्रकार के घटनाएं हुई उसको रोकने में दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है। और जहाँ तक सवाल है यूनिवर्सिटी में जाकर स्टूडेंट्स को मारने की, ये जो वीडियोज आए हैं ये दिल्ली पुलिस खुद इसकी
जांच करेगी, इसका खुद संज्ञान लेगी। और मैं एक विषय तो कहना चाहूँगा, स्टूडेंट्स हैं तो कोई छूट नहीं है हिंसक फैलाने की, स्टूडेंट्स को कोई छूट नहीं है कि अपने हाथों में कानून व्यवस्था को लेकर उसको बिगाड़ने की और प्रोटेस्ट के आड़ में इस प्रकार हिंसा फैलाने की किसी को छूट नहीं है। तो कई वीडियो सामने आने के बाद राजनीति तो गर्म है ही, साथ ही छात्रों के अंदर भी बेहद गुस्सा है। छात्रों का कहना है कि बात जामिया के सभी छात्र उसी दिन से कह रहे हैं। छात्रों का कहना है कि प्रशासन द्वारा जबरन यूनिवर्सिटी को टारगेट किया जा रहा है। मेरा एक सवाल उन पुलिस वालों से है कि आपने तो पहले शेल मार करके गैस चैम्बर बना दिया, वहां सांस लेना मुश्किल हो रहा था, मौत दरवाजे पे दस्तक दे चुकी थी, आपने भी मास्क पहन रखा था, हमारे छात्र उस वक्त पूरे यूनिवर्सिटी के अंदर भाग दौड़ का माहौल था, ठीक है, जिस तरीके से वो बच्चों को मार रहे थे, उस वक्त कोई बैठ करके चैन से पढ़ सकता है? सबने इसलिए मास्क पहन रखा था क्योंकि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। और दूसरी चीज, आइडेंटिटी हिडन करने का भी सवाल था, क्योंकि जिस तरीके से मार रहे थे वो जो है आइडेंटिटी असर्ट करके एक एक स्टूडेंट को, वो काफी कंडेमेबल है। पहले तो दिल्ली पुलिस कहती है कि हम जो है लाइब्रेरी के अंदर नहीं गए, फिर दोबारा ये कहना शुरू करती है कि हम जो है इसलिए घुसे कि पत्थरबाज घुस गए थे। जामिया मिलिया इस्लामिया एक ऐसा इदारा है, यहाँ पत्थरबाज नहीं रहते हैं, ये देश के अंदर अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट्स आईएएस आईपीएस देता है, आपको ये पता होना चाहिए। ये जो है आजादी के आंदोलन से आई हुई यूनिवर्सिटी है, आप जिसको आतंकवादी का अड्डा साबित करने में लगे हुए हैं वो एकदम बिल्कुल बेसलेस है, क्योंकि ये जो टेररिस्ट अटैक हमारे इंस्टीट्यूशन पे हुआ, कई बच्चों की दोनों टांगे टूट गई, दोनों हाथ टूट गए, मेरे साथी की आंखें चली गई, क्या वो देंगे हमेशा? नहीं देंगे ना। एक छात्र बैठ करके पढ़ रहा था, आतंकवादी तो नहीं पढ़ सक रहा था। अगर मानता हूं कि बाहर के लोग घुसे थे, जामिया प्रशासन था, आप उसकी मदद से उन बच्चों को आइडेंटिफाई कर सकते हो, गेट पे हमारे गार्ड होते हैं, चेक होता है आई कार्ड, लेकिन आप घुस करके लाइब्रेरी तोड़ दोगे? 2 महीने से लाइब्रेरी नहीं खुली, हम लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर है, हमने अपनी पढ़ाई जो है बंद कर रखी है, हम बिना लाइब्रेरी के एग्जाम में बैठ रहे हैं, ये कैसा जो है आप विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं? देश के अंदर 21वीं सदी के अंदर कोई ऐसी सरकार आई है जो लाइब्रेरियों को तोड़ रही है? मैं भारतीय सेना में महिला अधिकारियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पे मोहर लगाते हुए महिला अधिकारियों को सेना में मिलेगा स्थायी कमीशन पर मोहर लगा दी। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि लोगों की मानसिकता बदलनी चाहिए। कोर्ट ने कहा कि सेना में महिला अधिकारियों की नियुक्ति एक विकासवादी प्रक्रिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के फैसले पर रोक नहीं लगाई गई, फिर भी केंद्र ने हाई कोर्ट के फैसले को लागू नहीं किया। हाई कोर्ट के फैसले पर कार्रवाई करने का कोई कारण था, कारण या औचित्य है? कोर्ट के फैसले के बाद सेना में तैनात महिला अधिकारी जो है बेहद खुश हैं। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तीसरी बार बतौर मुख्यमंत्री अपना कार्यभार संभाल चुके हैं। इससे पहले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, गोपाल राय, सतेंद्र जैन, राजेंद्र पाल गौतम ने भी कार्यभार संभाल लिया। आज दिल्ली सचिवालय में उनके मंत्रिमंडल की पहली कैबिनेट बैठक हुई। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी मंत्रिमंडल के साथ रविवार को रामलीला मैदान में शपथ ली। सूत्रों के अनुसार मामूली फेरबदल को छोड़ दें तो बीती सरकार में मंत्रियों के पास जो बड़े विभाग थे उनके पास वही विभाग रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पानी की जिम्मेदारी अपने पास रखेंगे या नहीं, इसको लेकर स्थिति साफ नहीं है। पार्टी के नेताओं ने पदभार संभालते ही अपने गारंटी कार्ड पर सबसे पहले काम करने की बात कही है। पाँच साल में जो हमने काम किए हैं, जो पॉलिसीज बनाई हैं, वो अगले 5 साल वो मजबूती के साथ जारी रहे, लोगों को उसका फायदा मिलता रहे। और दूसरा कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने चुनाव के दौरान दिल्ली की जनता से 10 गारंटी जो प्रॉमिस किया उसको लागू करने के लिए अब हम प्राथमिकता के आधार पर उस पर फोकस करेंगे और उसकी कार्ययोजना बना करके स्टेप बाय स्टेप उसे लक्ष्य को पूरा करने की तरफ बढ़ेंगे। गारंटी कार्ड में है उसी भी रहेगा और डे वन से हम काम करना स्टार्ट कर देंगे।
बस थोड़ा सा इंतज़ार है, पोर्टफोलियोज वगैरह फाइनल होने की उम्मीद है शाम तक, तो उसके बाद बढ़िया तरीके से जिस प्रकार 5 साल काम किया हमने, उसी प्रकार से आने वाले 5 साल में और बहुत सारे काम करने हैं दिल्ली के लिए, ताकि दिल्ली को हम और सुंदर बेहतरीन जगह बना सकें और सुरक्षित जगह बना सकें। तो आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं, आज गोपाल राय की तस्वीर देख सकते हैं, अरविंद केजरीवाल, राजेंद्र पाल गौतम, इमरान हुसैन, सतेंद्र जैन, सभी मंत्रियों को मंत्रिमंडल दिया जाएगा और उम्मीद की जा रही है कि उसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं हो सकते हैं, लेकिन जल विभाग जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने पास रखेंगे या फिर नहीं, उस पर एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो आने वाले 5 सालों में हर घर पीने वाला पानी पहुंचाएंगे, और देखने वाली बात होगी कि क्या ये केजरीवाल कर पाएंगे या फिर नहीं, क्योंकि दिल्ली में पानी की बहुत कमी हो जाती है, गर्मी के दिनों में हालात जो हैं काफ़ी ख़राब हो जाते हैं। वहीं गोपाल राय, राजेंद्र पाल गौतम, इमरान हुसैन जैसे नेताओं ने कहा है कि जो तो दिल्ली सरकार में मंत्रालय का दरअसल आज बंटवारा होना है और कोई ज़्यादा बड़ा फेरबदल नहीं हो सकता है, जो पिछली सरकार में जिनके पास जो था वही रहने की उम्मीद है। सतेंद्र जैन को दिल्ली जल बोर्ड का जिम्मा मिला है, बंटवारा हो चुका है, इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, दिल्ली सरकार में मंत्रालय का बंटवारा हो चुका है, इस वक्त की बड़ी खबर, सतेंद्र जैन को दिल्ली जल बोर्ड का जिम्मा दिया गया है, जिसके लेकर हम कयास लगा रहे थे कि क्या अरविंद केजरीवाल अपने पास रखेंगे या किसी और को देंगे, तो सतेंद्र जैन के ऊपर जिम्मेदारी दिल्ली वालों को पानी पिलाने की डाल दी गई है। वहीं गोपाल राय के पास पर्यावरण विभाग जो है वो चला गया है, तो अरविंद केजरीवाल ने आपको बता दें अपने पास कोई मंत्रालय नहीं रखा है, गोपाल राय को पर्यावरण विभाग दे दिया है, वे सतेंद्र जैन पे जिम्मा दिया है कि वो दिल्ली वालों को अगले 5 साल में शुद्ध और साफ पानी पिलाएं, जिसका वादा जो है उन्होंने किया है। वहीं गोपाल राय को जिम्मेदारी दी गई है कि वो दिल्ली के पर्यावरण को सुरक्षित रखें और जिस प्रकार से दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है उस पर कमी लगाएं, और साथ में आपको ये भी बता दें कि बड़ी खबर ये भी है कि अरविंद केजरीवाल ने इस बार अपने पास कोई विभाग नहीं रखा है, कोई मंत्रालय नहीं रखा है, वे सतेंद्र जैन को दिल्ली जल बोर्ड का जिम्मा जो है वो दिया गया है। तो न्यूज़ पॉइंट में आज मेरे साथ बस इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।